परिषद महोदया है भारतीय जनता पार्टी की, वो बयानबाजी कर रही है। क्या बयानबाजी कर रही है कि रेप हत्या और बलात्कार करना हमारी संस्कृति है। चाहे उन्नाव की घटना देखो, हाथरस की घटना देखो, रायबरेली की घटना देखो, कठुआ की घटना देखो, गोरखपुर की घटना देखो, ये घटनाएं इनकी नीतियों का पोल खोल रही है। तमाम पार्टियां चिल्लाती है विकास 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 विकास, तमाम पार्टियों के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? सड़क होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है, और जो हमारे 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, यानी जो गरीब जनता है, उनके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज। चालक महोदय, साथियों, आज माननीय कांशी राम साहब का 15वीं स्मृति दिवस के अवसर पर मैं उन्हें नमन करती हूं, और साथ ही साथ यह संकल्प लेती हूं कि माननीय कांशी राम साहब के जो अधूरे मिशन थे और जो अधूरे कारवा थे, उनके अधूरे मिशन और कारवा को पूरा करने का कार्यक्रम साल के 365 दिनों तक चलाऊंगी। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी की जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वावन मिश्र राम साहब को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में इतना बड़ा विशाल जनसभा का आयोजन किए, और साथ ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त हजरत मौलाना सज्जाद नवानी साहब को धन्यवाद करती हूँ, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी को धन्यवाद करती हूँ, और जिनके साथ और सहयोग से बहुजन मुक्ति पार्टी का कद समाज में बढ़ा। और साथियों, मैं स्टैंप पेपर पर लिख करके यह संकल्प लेती हूँ आज इस अवसर पर कि जो भी सामाजिक संगठनों के जो भी एजेंडे हैं, जो एजेंडे हैं, उन एजेंडे को 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के एजेंडों में शामिल किया जाएगा। और साथियों, इसके साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आप बनाते हो, तो तमाम सामाजिक संगठनों को जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा। साथियों, तमाम पार्टियां चिल्लाती है विकास 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 विकास, तमाम पार्टियों के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? सड़क होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है, और जो हमारे 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, यानी जो गरीब जनता है, उनके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, प्रति महीने 5 किलो अनाज आता है। अगर इसी को विकास करते हैं तो हमें विकास नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें देश और प्रदेश का विकास नहीं चाहिए, बल्कि देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए, देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए। मेरे भाई
नहीं बनना चाहता, देश का राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि ये 3% लोगों की दलाली, चमचागिरी और भद्रवागिरी ज्यादा पसंद करना पसंद करता है। और हमसे यह सवाल करता है, हमसे हमारा यह भोला समाज हमसे सवाल करता है कि हुक्मरान क्यों बना जाता है, राजा क्यों बना जाता है, हुक्मरान बनने से क्या होगा, राजा बनने से क्या होता होगा। तो मैं उनको यही बात कहता हूं कि हुक्मरान समाज वह होता है जिस समाज पर अन्याय नहीं होता, हुक्मरान समाज वह होता है जिसके साथ अत्याचार नहीं होता, और हुक्मरान समाज वह होता है जिसकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। मैंने हुक्मरान समाज बनते हुए देखा है मुगल को, पठान को और 3.5% लोगों को इस देश का हुक्मरान बनते हुए देखा है। उनके समाज पर अन्याय नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, वो गरीब और मजबूर लाचार नहीं होते, उनकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता। यदि आप हुक्मरान समाज बन जाओगे, इस देश का राजा बन जाओगे, तो जो आज आप मांगने की लाइन में खड़े हो, मांगने की लाइन में नहीं, आप देने लायक समाज बन जाओगे। आप जिससे अपना हिस्सा मांग रहे हो वो मांगने की लाइन में खड़ा होगा। आप लोगों को ऐसा करना होगा। ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा की ताकत का अंदाजा हमारे लोगों को नहीं है, हमारे लोगों को नहीं है, लेकिन दुश्मनों को है, दुश्मनों को है। जो हमारे मुस्लिम भाइयों को ये लोग विदेशी विदेशी कह रहे थे, आज वो खुद भारतीय होने के तमाम सबूत पेश कर रहे हैं। अगर बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और सहयोग करना होगा, और 2022 में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनानी होगी, और आप लोग ऐसा करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।